यूट्यूब ओपन करें, सर्च पर क्लिक करें, लिखें MI स्पेस TCS, सर्च पर क्लिक करें, फर्स्ट चैनल पर क्लिक करें जो अपना है, उसके बाद सब्सक्राइब बेल बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GST के ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर है आप कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं और क्या आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए, यानी कि कैसे आप प्रॉपरली सिस्टम को मैनेज करेंगे कि आपके अंदर जो ऑफलाइन सिस्टम टूल्स हैं वो काम कर सके, तो कहां से उसकी लिंक जो आपको मिल जाएगी तो पूरा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं कराएं, तो आगे जो लेटेस्ट वीडियोज़ टेक्निकल वीडियोज़ आने वाले उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले GST ओपन कर लेना, गूगल पर सर्च कीजिए, उसकी ऑफिशियल लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आ गया हूँ, एक्चुअली आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड्स के ऊपर, उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑफलाइन टूल। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफलाइन टूल जो है वो आपको आपके लिए अवेलेबल है, फॉर रिटर्न ऑफलाइन टूल TRN2, ITC01, GSTARA01, GSTR11 ऑफलाइन टूल Tran1, GSTR3B, ITC04 एंड GSTR4 जो है अवेलेबल है। तो चलिए फर्स्ट क्लिक करता हूँ, आपको एक एक पर क्लिक करता रहना है और आपको जो डाउनलोड लिंक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं एक बताता हूँ आपको कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए जहाँ पर आपको यहाँ पर डाउनलोड जो लिंक दी है वह यहाँ, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप आ जाएगा, आपको जस्ट क्लिक करना है प्रोसीड के ऊपर। आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो ये लोड हो जाएगा और डायरेक्टली आपका जो ब्राउज़र है उसके अंदर एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये प्रोसेस हो तब तक हम डिस्कस कर लेंगे कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जैसे मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था इसलिए 1 आ रहा है, अदरवाइज मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसे जस्ट पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट आपके लिए, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7 या उससे ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 7 हो सकता है, 8.1 या 10 हो सकता है, एंड दिस टूल्स नॉट वर्क इन लिनक्स और मैक के अंदर जो है ये काम नहीं करेगा। ब्राउजर्स जो है वो आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, तीनों ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 10+ होना चाहिए, गूगल 49 प्लस एंड फायरफॉक्स 45+ का वर्जन का होना चाहिए। इसको कैसे चेक करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं मैं आपको, तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 7.2007 या उससे ज़्यादा वाला ही आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द एक्सेल शीट्स, एंड अल्टरनेटिवली फॉर एनी बिलो वर्जन द टूल विल ओपन इन द डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक PDF आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा ताकि वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर पूरा प्रोसेस जो है आपको बता रखा है, ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखिए आपको जो फाइल मिलेगी उसको आपको अनजिप कर देना है, अनजिप करने के बाद यहाँ पर एक रीडमी नाम के एक टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी, उसको कंप्लीट पढ़ लीजिए। यहाँ पर पूरा सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह दे रखा होगा वो पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको GSTOffline.exe फाइल जो है उसको आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करना है फॉर इंस्टॉलिंग इन योर PC, सो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट के बाद आपको ब्राउज कर लीजिए कि आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है अपना जो ऑफलाइन टूल है वो। उसके बाद एटलीस्ट 45 यानी कि MB जो है फ्री स्पेस होनी चाहिए आपके हार्ड डिस्क के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको डेस्कटॉप पर आइकन क्रिएट करना तो चेकबॉक्स में क्लिक कीजिए, अदरवाइज अनचेक कर दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल के ऊपर, इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए फिनिश के ऊपर। तो इस तरह का जो आइकन है नेशनल टैक्स मार्केट जो है आपको GST ऑफलाइन टूल जो है आपको मिल जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर, तो डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक जैसे करेंगे तो आपको ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफलाइन टूल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको जो भी कुछ करना है, यहाँ पर अपलोड योर इनवॉइस है, ओपन डाउनलोडेड रिटर्न्स एंड ओपन डाउनलोडेड एरर्स फ्रॉम द GST पोर्टल, तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका डिस्कशन जो है कैसे चलाते हैं इसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे। तो ये कुछ सब कुछ था इंस्टॉलेशन के बारे में, तो और भी टूल जो है टूल्स जो है आप यहाँ से डाउनलोड सेक्शन से कर सकते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC के अंदर, आप काम कर सकते हैं विंडोज़ पर ओनली, नॉट इन मैक पे काम नहीं कर सकते और लिनक्स में भी काम नहीं कर सकते। अगर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या फिर आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि ऐसे ही नए और टेक्निकल वीडियोज आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से। सो गाइस, दिस इज अप टाइम फॉर दिस वीडियो, विल बी सी यू सून इन नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।